आपको जब लगा कि जीरो नहीं वर्क किया तो आपको मन में क्या हुआ वो वाला टाइम यार मुझे है? दुख इस बात का कि यार इतने बड़े स्टार की ये फिल्म चलनी चाहिए थी दुख इस बात का मुझे नहीं हुआ कि मेरी फिल्म नहीं एज अ फिल्म मेकर मैंने अपने आप को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया मैंने सबसे पहली फिल्म जो बनाई थी स्ट्रेंजर्स वो बिल्कुल नहीं चली उस वक्त शिफोन की साड़ियाँ रही थी उसके बीच में गलियों कूचों में बनी हुई एक लव स्टोरी लोगों को नहीं लग रहा था और चल गई कंगना के अलावा और ऑप्शन था कि सिर्फ कंगना ही थी ऑनेस्टली बोलोगे वो एक ही का क्योंकि रणबीर कपूर और शाहरुख खान तो मुझे मिल नहीं रहे थे कल अगर मुझे कोई बोलता रणबीर कपूर तो शायद मैं बैठ के एक बार उसके साथ कहानी पे बात करता और मैं कर लेता हमारे सबके प्यारे शाहरुख सर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे चेहरों पे काम दिख रहा है वो इस वक्त रात का खाना सोच रहा है ये अक्षय कुमार है आपके लिए तो उनको कोई भी चीज सिंपल स्ट्रेट नहीं समझ आती जब तक उसके अंदर कोई मसाला ना हो देख के यू फील हाँ <laughs> ये सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग है अगर ये इस रोल सादिया नहीं करती तो मेरी एनर्जी आदि हो जाती एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ उन्होंने मेरे को बहुत को एक पूरा सच मेरे चेहरे पे बोला वेलकम बैक टू अनदर सीजन ऑफ सैमसंग गलेक्सी बुक फॉर श्री प्रेजेंट द बॉम्बे ट्रीम विद मुकेश छाबड़ा ये एक ऐसा शो है जहां मैं बहुत सारे कहानियां लेकर आता हूं कास्टिंग से जुड़ी हुई और बहुत सारे धमाकेदार गेस्ट लेकर आता हूं आपके लिए इस बार और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां कास्टिंग से जुड़ी हुई और बहुत ही धमाकेदार गेस्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर श्री प्रेजेंट द बॉम्बे ट्रीम विद मुकेश छाबड़ा आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम आपको गेस्ट करना पड़ेगा उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनके कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होते हैं जिनकी वजह से उनकी फिल्मों को हम बहुत प्यार करते हैं तनोवेट्स मनु रानझना तनोवेट मनु टू और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो उन्होंने बनाई हैं मेरे प्यारे दोस्त और बहुत अच्छे डायरेक्टर और खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन मिस्टर आनंद एल राय सर थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी आपकी तरह हमेशा फिर से स्वागत है मेरे शो में लास्ट सीजन आप नहीं आ पाए थे पर थैंक यू फॉर दिस सीजन हाँ, मेरे को लगा तू तो मुझे बुला नहीं रहा लास्ट सीजन में तो जो बड़े स्टार्स बड़े लोग चाहिए थे। तो मैंने कहा मेरा नंबर शायद सेकंड अरे से बड़ी मुश्किल बड़ी मेहनत लगनी पड़ी आपको बुलाने के लिए बट थैंक यू वेरी मच मतलब <laughs> आप हमेशा ही करते हो आपको तो पता है कि आपका मेरा रिश्ता डायरेक्टर और कास्टर से हटकर एक और भी प्यार का रिश्ता है बहुत कम लोग का मालूम है क्या मेरे मकान मालिक भी हो मकान मालिक मुझे तो लग रहा था मैं किराएदार हूँ तेरा <laughs> <laughs> मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे साथ अभी फिल्मों के साथ इंटरेस्टिंग कहानियाँ हो रही है आप फिल्मों की कहानियाँ कहाँ से लेकर आते हो आप कहाँ से सोचते हो कहानियों के बारे में जेनविनली बताऊँ मुकेश मैंने खुद को कभी भी एज अ फिल्म मेकर मैंने अपने आप को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया मैं इस लाइन में आया ही इसलिए था कि मुझे ना कहानियाँ बहुत बहाने लगती थी मुझे लगता था यार इस कहानी को मुझे बड़े पर्दे पे देखने का मन करेगा फिल्म मेकर बन गया डायरेक्टर बन गया वो एक चीज थी बट मोर देन दैट वो कहानियां और खास करके उन कहानियों का मेरे अंदर का सच वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था और ऐसा नहीं था कि मेरे आते ही मेरी लाइफ में कुछ एक सक्सेसफुल हो गया था मेरी मैंने सबसे पहली फिल्म जो बनाई थी स्ट्रेंजर्स वो बिल्कुल नहीं चली थी बट हाँ ये समझ में आ गया था कि एज अ डायरेक्टर मैं शायद कुछ अच्छा कर लूँगा क्योंकि मुझे लोग समझ में आने लगे थे मैं मोर देन मैं उनको कुछ बोलूँ मैं उनको सुनता था सो so, किसी को सुनने में ना वो ज़्यादा समझ में आते हैं hmm. तो मुझे लग रहा था मुझे लोग ज़्यादा समझ में आएंगे शायद एज अ एक्टर मैं उन्हें समझ सकूँ तो हो सकता है मैं उनको वो कैरेक्टर अच्छे से निभाने के लिए दे सकूँ मुझे ये समझ में आया कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ अपनी कहानी को वो मैं एक्टर तक पहुँचा पा रहा हूँ तो लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर मेरे अंदर से निकल आएगा ठीक ठाक आपके स्मॉल टाउन के साथ कनेक्शन है आपके जो कैरेक्टर है वो क्या चक्कर है वो स्मॉल टाउन और वो कल्चर रूटेड वो क्या करते वो कैसे आता है आइडिया तो मेरे लिए ना मुकेश वो कभी भी स्मॉल टाउन नहीं था मेरे लिए वो मेरा अपना मिडिल क्लास था वो चाहे तनोज मनो या रांझना मैं लखनऊ कानपुर और बनारस एक्सप्लोर कर रहा था तो लोगों को लग रहा था कहानियाँ वहाँ पे प्लेस्ड हैं तो मैं स्मॉल टाउन बट मुझे लग रहा मेरे लिए वो ये था कि जो मेरा मिडिल क्लास था जहाँ मैं पल के बड़ा हूँ दिल्ली में वो जब मैं ये कहानियाँ सुनाने उतरा वो मिडिल क्लास अब लखनऊ कानपुर और बनारस में पनप रहा था hmm. वो जो सोच थी वो जो मिडिल क्लास फैमिली की सोच थी तो मैं शायद अपने आप को इन कहानियों में आइडेंटिफाई कर पाया नॉट बिकॉज ऑफ द स्मॉल टाउन बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास वैल्यूज आपने बात करी रांझना की और आपने धनुष के बारे में कैसे सोचा क्योंकि बाकी सब लोग फिल्मों में जब उस समय जब दस साल पहले फिल्म में बना रहे थे सब बॉलीवुड एक्टर के बारे में सोच रहे थे आपने धनुष को कास्ट किया और वाराणसी में कहानी में उसको डाला जो कि कम्प्लीटली अपोजिट है वो कहाँ से शुरुआत हुई कहाँ से आइडिया है आपका धनुष का रिश्ता कहाँ से बना कैसे मिले किसने बताया वो क्या जानना हैं तो मुझे थोड़ा पहले से शुरू करना पड़ेगा जब मेरी इनिशियल फिल्म्स नहीं चली और मुझे लगा कि मुझे एक धनु एड्स वनु जैसी फिल्म बनानी चाहिए और मैं और हेमांशु वो कहानी लेके जब वो कहानी हमारे से कंप्लीट हुई पर हमें ना प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे आठ दस स्टूडियो और पंद्रह बीस अच्छे खासे बड़े प्रोड्यूसर्स ने हमें रिजेक्ट कर दिया for, हमें लग रहा for, था for के लिए नहीं फॉर के लिए अब एक्चुअली मेरे पीछे एक फ्लॉप थी और आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे लग रहा था वी हैव नथिंग टू लूज ये फिल्म बनानी चाहिए हमें और किसी ना किसी तरीके से लाइफ ने अपना एक सर्कल काटा और तनवर्ड्स मनु फ्लोर पे पहुंची और बड़ी मुश्किल से पूरी हुई मैं फॉर्चुनेटली बोलूंगा कि करेक्ट रिलीज और ये सारी चीजें उसके साथ हुई और वो चल गई उसके पास मेरे पास दो ऑप्शन थे लाइफ के या तो मैं इमिजिएटली एक सो कॉल्ड सक्सेसफुल रॉम कॉम का डायरेक्टर एक और रॉम कॉम बना रहा है ये बहुत करेक्ट पाथ लगता है पर दूसरा ये था कि यार इतनी मुश्किल से मिली हुई सक्सेस को मैं फॉर्मूला का चेहरा नहीं देना चाह रहा था उस टाइम पे स्मॉल टाउन में कहाँ आती थी मेन स्ट्रीम में कहाँ बिजनेस करती थी उस वक्त आउटडोर्स चल रहे थे बड़े बड़े स्विट्जरलैंड में गाने हो रहे थे शिफोन की साड़ियाँ हो रही थी उसके बीच में गलियों कूचों में बनी हुई एक लव स्टोरी लोगों को नहीं लग रहा था और चल गई और हो भी सकता था फ्लू को पर ऐसा नहीं कि मेरे को इस चीज से कोई दिक्कत हो रही थी मेरे को लग रहा था कि अगर फ्लूक भी है तो उसको ठीक करने का अगर थोड़ा भी मेरे में टैलेंट है तो एक ही तरीका है कि कुछ अलग कर लूं बिफोर आई गो फॉर अ मनु टू तब मन में रांझना आई और एक ही बात समझ में आई कि तनोव मनु वन इसलिए चली कि मैंने वो कास्टिंग की जो मेरा मन चाह रहा था क्योंकि रणबीर कपूर और शाहरुख खान तो मुझे मिल नहीं रहे थे उस टाइम पे मुझे माधवन मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो मेरी करेक्ट कास्टिंग थी कंगना एक करेक्ट कास्टिंग थी तो राजना के टाइम पे भी मुझे ये लगा कि यार जब पिछले में यही चीज़ चली है तो मैं बड़ी फिल्म बनाने की जगह एक अच्छी फिल्म क्यों ना देखूँ एक अच्छे एक्टर के साथ और जेनवनली मुकेश ऊसर मुझे लगा कि जिस ऑर्डनरीनेस जिस साधारणपन की तलाश थी मुझे कुंदन के कैरेक्टर में उसको निभाने के लिए बहुत टैलेंटेड एक्टर चाहिए मुझे जो अपने आप को इतना ऑर्डिनरी मान ले बना ले महसूस करा दे और इनिशियली मैं धनुष नहीं ले रहा था मैं धनुष जैसा कोई ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिल रहा था और ये वाला कॉन्फिडेंस ना मुकेश की यार जबान आपको कहानी सुनाने से नहीं रोक सकती एक एक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती और ख़ास करके धनुष जैसे एक्टर को तो मुझे नहीं लगता अगर मैं यहाँ पे फेल होता तो मैं फिर खुद पे ही डाउट करता क्योंकि जब मुझे धनुष ने भी ये बोला ना कि ये मुझे कहानी बहुत पसंद है पर मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती तो मेरी पहली लाइन ही मेरे मेरे से ये निकली थी कि वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है वो मेरी प्रॉब्लम क्योंकि बाकी सब मैंने कहा मैं तमिल में बना लूंगा मैंने उसको ये बोला था अगर तू हिंदी नहीं बोल पाया ना तो मैं फिल्म तमिल में बना लूंगा मैं तमिल में डायरेक्ट कर लूंगा यार क्योंकि कहानी देखने का मन था जबान से मेरा कोई वो नहीं तो कहीं वो भी चीज़ मुझे लगी कि मैंने अपनी कहानी को अपने किरदार को इज्जत दी उसको वो एक्टर लाकर दिया जो वो डिजर्व करती कंगना के अलावा कोई किसी को पता नहीं है क्योंकि उससे बेटर कास्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी है उससे वो जो... पहले मैं, उससे पहले तो भाई जिस गरीबी में मैं अपनी जिंदगी काट रहा था और फिल्म नहीं बन रही थी मुझे तो कोई भी मिल रहा था मुझे मेरे को लग रहा था कि मैं देखना तो शुरू करूं उसके अंदर ऑनेस्टली बोलोगे वो एक ही कास्टिंग थी जिसके पास मैं हाँ। बाकी जैसे मैंने बोला कि अगर कल अगर मुझे कोई बोलता रणबीर कपूर तो शायद मैं बैठ के एक बार उसके साथ कहानी पे बात करता और मैं कर लेता ना झूठ मेरे पास इतना रह पाता है ना मैं झूठ को अपना साथी बना पाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ इस मामले में कि मेरे ये वाले फैसले जिसका लेना देना एक सर्टन इकोनॉमिक्स और बजटिंग से वो ठीक बैठ जाता मैंने क्या बोला मैं कहानियों का गुलाम हूँ जिस दिन कहानियाँ आ गई उस दिन उस कहानी को पूरा करने के लिए मैं कहीं पर भी चला जाऊँगा साउथ भी चला गया था धनुष के लिए तो तनु इट्स वन उट थ्री बी जिस दिन कहानी मेरे हाथ में आ गई सबसे आगे मैं दौड़ रहा हूं। वो तो आपके पास है अभी मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता है आपने ना माधवन कंगना जिशान धनुष थोनम बहुत अलग लोगों के साथ काम किया उसके बाद आपने फिल्म बनाई हम सबके सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ वो कास्टिंग वो एक्सपीरियंस वो फिल्म का नहीं चलना वो सब आपको क्या वो क्या था पूरा जर्नी शुरुआत में जब आपको ये हर आदमी जो देश में आता है डायरेक्टर के लगता है उनको सबको एक बार तो मन करता है कि शाहरुख खान के साथ पिक्चर बना ले या अमिताभ बच्चन के साथ बना ले ऐसा अच्छा तो फीलिंग आता है वो वाला मैंने वो ही बोला ना कि मेरा कभी ये वाला नहीं था कि मुझे खान साहब के साथ काम करना वो मुझे बेहद पसंद थे हमेशा से पसंद थे पर उनसे मुलाकात के बाद मुझे सिर्फ यह लगा कि यार इतना पैशनेट, इतना हंग्री आफ्टर डूइंग सो मच इन लाइफ उसके बावजूद भी अगर इस आदमी से मिलो तो ऐसे लग रहा है ये अभी जो मुझसे बात कर रहा है शायद अगर इसके साथ मेरी फिल्म हुई तो इसकी ये पहली फिल्म होगी यह महसूस करा देना अपने डायरेक्टर को मेरे ख्याल से मैजिकल मैं मिस नहीं कर सकता था ऐसे आदमी के साथ काम करना तो ये कैसा आइडिया जीरो का आइडिया आया कैसे आया क्या हुआ था उनसे मिल ही मतलब वो कहानी मेरे पास थी मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था यार मैं तो दो तीन फिल्मों के बाद पहुंचा हूं इनके पास इनके पास तो लेगेसी है पूरी की पूरी यार इनका ये हाँ कर देना कि हाँ मैं ये किरदार यार मज़ा आएगा सो म, मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस कर सकता था फॉर ओनली वन रीज़न कि अगर इनके साथ काम करके मैं दो बातें भी सीख के निकलूंगा ना वो बहुत बड़ी होंगी और वो हुआ फिल्म नहीं चली आपको कैसे कह... बट मुझे वो वो जो तीन साल थे मेरे लाइफ के वो सबसे खूबसूरत तीन साल थे मैं एक ऐसे आदमी के साथ था जिसने मुझे ये बताया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोगों से प्यार कर सकते हो मैं ज्यादा कर सकता हूँ मुझे तो एक सवाल अभी भी मन में रहता है पूरा नहीं हुआ है लगता है कि आपको जब लगा कि जीरो नहीं वर्क किया तो आपको मन में क्या हुआ वो वाला टाइम कैसे यार मुझे दुख हुआ क्यों नहीं हाँ। होगा बिल्कुल दुख हुआ मैं उस मोमेंट पे मुझे यही लगा कि यार शायद वही चीज ठीक चल रही थी जब मैं अपने किरदारों की मोहब्बत में था और एक्टर मेरी मोहब्बत में थे इस बार दोनों तरफा यही हो गया कि मैं मैं उनकी मोहब्बत में पागल हो गया हाँ। बट दुख इस बात का कि यार इतने बड़े स्टार की ये फिल्म चलनी चाहिए थी दुख इस बात का मुझे नहीं हुआ कि मेरी फिल्म नहीं चली मुझे दुख इस बात का हुआ कि यार हाँ। उसका विश्वास क्या मैंने जीरो का प्रोसेस एंजॉय किया मैंने बहुत एंजॉय किया अब वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता फिल्म फेल हो गई मुझे उनके लिए तकलीफ हो रही है मुझे अपने लिए नहीं तकलीफ हो रही है कनेक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है ऐसा डायरेक्टर के साथ साथ आपने जो रिस्क लिया है प्रोड्यूसर में मतलब चाहे वो शुभ मंगल सावधान वन हो टू हो असीन हसीन दिल टू और मनमर्जिया ये सब फिल्म में जो प्रोड्यूसिंग का कप्तान ये प्रोड्यूसिंग का जो पूरा आपने एक रिस्क लिया देन उसको भी आपने इतना सक्सेसफुली हैंडल करा मनमर्जिया में ब्रॉड अभिषेक बच्चन तो आपसे बनो विके कौशल आज विक्के कौशल ले ला विक्के तो वो जो जर्नी होती है प्रोड्यूसर की वहाँ पर क्या वर्क करता है आपके लिए क्योंकि डायरेक्टर अपना एक विजन होता है अलग डायरेक्टर विजन से आते हैं अगेन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिनका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई से जानता हूँ कि मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता नॉट दैट कि डायरेक्ट नहीं कर सकता मेरे से बेहतर है जो इसे डायरेक्ट कर सकता उस कहानी के लिए उस कहानी के लिए मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि यार मैंने मांग मांगा अनुराग कश्यप को मन के लिए और मैंने उसको बहुत प्यार से इज्जत से बोला कि यार कहानी पढ़ और मेरे लिए ये एक बार क्योंकि मुझे पता था कि जो अनुराग कश्यप से मन मर्जियों को मिलेगा ना वो मैजिकल होगा और कम्प्लीटली अलग जोन था उनके लिए भी और आपने कैसे वो ट्रस्ट किया और कैसे वो काश आई कैसा हुआ बहुत कमाल था मतलब क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला अनुराग कश्यप है वो अंदर से बहुत ही इमोशनल वो बहुत बड़ा इमोशनल बॉल है तो जब भी वो रोमांस को उस उस ब्रांड के साथ टच करेगा बहुत अलग करेगा तो so, मेरे को मन मर्ज़ियाँ देख के मैं, मैं सिर्फ देख के ये इस बात पे ही खुश हो रहा था कि देख सबसे अच्छी कास्टिंग अगर मन मर्ज़ियाँ की है ना तो वो अनुराग कश्यप हाँ बहुत अच्छी मैं हमेशा उनको पता क्या बोलता हूँ मन मर्जी क्या बोलता हूँ वो एक ऐसा लवर है जिसका हार्ट हमेशा टूटा हुआ है हाँ अनुराग कश्यप फॉर मीट हार्ट ब्रोकन ऑल टाइम नहीं और उस, उसने वो बहुत अच्छे से वो विक्की का कैरेक्टर या उसने दोनों कैरेक्टर मेल कैरेक्टर्स तापसी तो आउटस्टैंडिंग बट अभिषेक बहुत ब्रिलियंट विक्की बहुत ब्रिलियंट तो अनुराग ने अपने अपने अंश दोनों में बहुत खूबसूरती से डाले नाउ यू सी विक्की इन वेरी डिफरेंट नाइट आपके तो बिल्डिंग से ही बड़ा बड़ा हुई है आप <laughs> को देखते हो तो फील विक्की आई फील वेरी गुड अबाउट विक्की आई फील वेरी नाइस अबाउट सनी बोथ ऑफ देम इन दोनों को देख के एक और चीज़ लगती है कि परिवार अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला एक डायरेक्टर के लिए कि यार मुझे मेरा घर बहुत ग्राउंडेड ग्राउंडेड रखता है वही शायद श्याम जी का जो एक उनकी जो परवरिश है उस घर की जो परवरिश है वो विक्की को बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स सनी को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगी इसलिए शायद विक्की को आप बहुत अलग लेवल के काम करते हुए देखोगे गट काम करते हुए भी देखोगे आई कैन कनेक्ट विदी बिकॉज ऑफ द फैमिली विद यू से बट आई फील सो हैपी इवन की वो सब लोग जब साथ में काम करते स्टार ऑफ दिस कंट्री तो अलग ही फीलिंग आती है मेरे को अच्छी तरह याद है मैं जीरो के सेट पर था और कटरीना के साथ शूटिंग कर रहा था और तब मनमर्जिया का ट्रेलर कटा था तो मैंने

जब मैंने कटरीना के साथ ये कहानी डिस्कस की थी उस वक्त मेरे मुंह से एक ही बात निकली थी मुझे बाकी कुछ नहीं पता तो इस फिल्म की बेस्ट आउटपुट तेरा होगा इस फिल्म का और वो हुआ करे yeah. अना सर ये जो सेगमेंट है ना मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि ये है जिसमें मैं आपको बहुत सारे ऑडिशन दिखाऊंगा सेक्शन का नाम है बियॉन्ड द बुक आप ही की फिल्मों के कुछ ऑडिशन जो हमने किए हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा अपने इस गैलेक्सी बुक फोर सीरीज के थ्रू जो सेकंड स्क्रीन आपके टाइप पे दिखाई देगा तो मैं यहाँ से स्वैप करूँगा सब आपके स्क्रीन पे दिखेगा तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नेक्स्ट सेगमेंट बियॉन्ड द बुक तो पहला ऑडिशन जो है वो ये है तो भाई साहब ये पहुंच गया रोडीज के फाइनल ऑडिशन में लौट गया है तो इसने पूरे एडीएम सिटी की लड़की सेट हो गई मुझे चपरासी की लड़की ने मना कर रखा है ये गजब की रेडी वाली की लड़की ने मेरे लेटर फाड़ रखे हैं। हिंदी मीडियम वाले ने घर आके से कहते था। दुनिया में लड़की से गिरी हुई एक डलवाता है बात दूसरे से करती है शादी तीसरे से करती है और भाई साहब मेरा तो याद है मुझे टॉपर डलवा लो याद है मेरे को बिल्कुल याद है यार और यार पता क्या है मुकेश कितनी अच्छी सी बा बात है और अब मैं तेरे साथ बैठ के देख रहा हूँ जब फिल्म कंप्लीट हो गई है एडिट हो गई है हम रिलीज डेट अनाउंस कर चुके हैं एंड व्हेन आई सॉ हिम व्हेन आई सेड यार बहुत अच्छा पोटेंशियल है मुझे मालूम है इसके बाद एक और ऑडिशन तुमने लिया था इसका करेक्ट right. एंड uh, तो एक एक्टर को देखा था अब अगेन इस पूरे प्रोसेस में 8 10 महीने निकल गए करेक्ट right. अब मैं इसको देख के पहले एक एक्टर को देख रहा था अब इस इस लड़के को देख के मैं इमोशनल होता हूँ कि यार ओके okay, अभी अपना हो गया हाँ ये इसके साथ सेट पे था बातें हुई और एंड इट अगेन जो मैंने इन इनके साथ पिक्चर देख के बोला दोनों के साथ प्रगति के साथ और रंच के साथ कि यार बड़ी फादरली फील आती है कि लगता है यार अब वो ये वो वाला टाइम आया है जहाँ पे लाइफ में अपने लिए भी बहुत सारा कुछ कर लिया है फिल्में भी बन गई हैं अब इनकी फिल्में चलनी चाहिए अब इनके लिए कुछ होना चाहिए नए नए एक्टर्स के लिए कुछ इट्स टाइम फॉर होता है ना कभी आप एक पे टाइम आता है मेरे को लगता है ये वो वाला है कि कले येलो से कुछ फिल्में वो वाली आनी चाहिए जिनमें नए एक्टर नए एक्टर्स हो एक और एक्टर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऑडिशन दिखाना चाहता हूँ जिसको हम एक फिल्म में लाए थे शिकारा में उसके बाद एक लंबा गैप आया फिर आपने कहीं से एक आइडिया आया कहाँ से सोचा हमारी फिर वहाँ से आई थी ये इसका नाम है सादिया नहीं क्या हो गया कुछ नहीं दिया तो भैया मुझे शर्म आती है आपको ऐसे किसी के आगे हाथ जोड़ते हुए देख के हर बात रिश्ते की दहेज पे आके ही अटक जाती है पैसे से ज्यादा लगता है जैसे मुझ में कोई कमी है जब भी लड़के वालों की तरफ से ना होती है मेरा मन करता है जैसे मैं गायब हो जाऊं भाग जाऊं एक झटके में आपकी लाडली से किसी की ना हो जाती हूं मैं देख के ये फिल्म हा। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग है हाँ। इस फिल्म सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये बहन वर्क नहीं करती अगर शादिया नहीं होती और ये कास्टिंग नहीं होती मुकेश okay, मुझे और किसी का नहीं पता पर एज अ स्टोरी टेलर मैं आ, मैं जितना इन्वॉल्व था मैं जितना आई वॉज इंटू दैट वर्ल्ड ऑफ रक्षाबंधन इज और दिस कास्टिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अ लेवल दैट मैं आज भी और ट्रस्ट मी इसका अभी भी मुझे हम साल में पूरे इसका रक्षाबंधन वाले दिन हैप्पी राखी मुझे आता है अभी भी आज दो साल तीन साल हो गए मैं सालों से नहीं जानता खुद को कि मैं 2008 में कहाँ था या मैं 2005 में कहाँ था मैं सिर्फ मेरे साल भी मेरी फिल्म है कि पता है 2011 में ग्यारह एड्स तनुट्स मनु पता है 2015 में ये 2013 में रंजना मैं साल में मेरे जीवन में ईयर्स नहीं है फिल्म फिल्म सो so, ये ये रक्षाबंधन भी मेरी लाइफ का वो वाला हिस्सा है जब आपको फोन मैसेजेस मैसेजेज है मेरे पा, मेरे पास अभी भी आते हैं मैं इन इन चारों बहनों को उसी तरीके से देखता हूँ मैं ब, ब, मतलब इन स्पेशली सादिया वाली कास्टिंग मेरे लिए मेरे को अच्छी तरह याद है जब तुमने मुझे ये ऑडिशन भेजा था मैं मैं मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था अपने मन में यू एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हारे पास चार पाँच ऑप्शन क्योंकि तुम्हारा प्रोफेशन है अगर तुम्हें करना ही पड़ेगा पर मैं अगर ये रोल शादियाँ नहीं करती तो मेरी एनर्जी शादी हो जाती करेक्ट ये मेरा फेवरेट सीन है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करना है आई थिंक जितनी भी फिल्में मैंने आज तक देखी इसलिए मैं आपको साथ साथ बात कर रहा हूँ ये सीन डिफाइन करता है आपका पूरा एक्सपीरियंस एज ए डायरेक्टर एवरी आप ये सीन देखो अगर मुझे थोड़ी मैं बोल मुझे किसी को बोलना पड़ेगा ना एज डायरेक्टर मैं ये सीन दिखा दूंगा और <laughs> मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा पर सच बताऊं तेरे को मुकेश ये भी जब जब आपके साथ आपकी आइडेंटिटी जैसे तुमने बोला कि ये, ये एज अ डायरेक्टर अगर बताना हो तो ये सीन उस वक्त ना एक आप एक, एक सर्टन स्टेट में होते हैं ये हर एक पल इस जब ये जनरेट हुआ ये क्रिएट हुआ आप आप नहीं होते ये मेरे साथ हुई है ये मैंने किया नहीं है ये मेरे साथ हुआ है बस सिर्फ ये है कि जब मैं ये कर रहा था मैं अपने प्योरेस्ट बेस्ट में था और मैं ये हिमांशु क्योंकि वो यहाँ नहीं है उसके लिए भी बोलना चाहूँगा हम लोग हम लोग बहुत ट्रांस स्टेट में थे उस वक्त वो शॉट कब लिया कैसे लिया क्यों मेरे मन में आया ये मेरे लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक है जितना देखने वाले को महसूस होता है सो so, मेरे को एक बात समझ में आती है कि एक डायरेक्टर से से निकली हुई ये चीज़ जब ऑडियंस के पास इतने नज़दीक पहुंचती है और ऐसा महसूस कराती है वो सब करते वक्त जितना जितनी शिद्दत और जितनी वो लगी है ना वो वो रिफ़्लेक्शन है तो इसमें बहुत सारा रिफ्लेक्शन है दिखता है जो एक पिक्चर आपके सामने आने वाली है ना ये पिक्चर जो है मुझे लगता है कि दुनिया में हर आदमी ये पिक्चर से पोस्टर से पूरी कहानी समझ जाता है ये इसके बारे में कुछ बताओ ये कलर ये आइडिया ये पिक्चर हाँ जब रांझना का ये मोमेंट आया था कि बनारस और बनारस की होली और जिस तरह से हिमांशु ने मुझे डिस्क्राइब की थी अपनी कहानी के अंदर कि यार इस तरह की होली और इस तरह से दिखनी चाहिए और तो एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ सिनेमा मुझे ये लगा कि आ, मैं मुझे मौका मिला कि मैं बनारस में जाके होली देखता हूँ तो जब ये बात तय हुई तो हिमांशु ने मुझे बहुत अच्छा बोला बोला सर एक बात बताऊँ आपके मन में जो होली चल रही है ना और बनारस की होली बहुत अलग होगी वो उसके उसकी नीयत में उस उसके फील में बहुत रंग है पर आपको बनारस जाओगे ना तो वो रंग दिखेंगे नहीं तो बेहतर है कि आप वो करो जो आपके मन में बनारस की फील लेके आप होली क्रिएट करो तो वो पूरा एक सीक्वेंस था जो जहाँ पे रंग भी थे और कीचड़ भी था और वो जाके मैंने बनारस में अपने मन वाली होली खेली जो मुझे लगता है बनारस में होनी चाहिए तो ये मोमेंट वहीं का ही था

मेरी पहली लव स्टोरी शुरू होती है मेरी कहानी से और मैं उसका गुलाम हूं मैं अपनी कहानी का और किरदारों का गुलाम हूँ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं उन उनकी गुलामी करता हूँ और मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता अगर मुझे वो चेहरा नहीं दिख रहा वो कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो मैं नहीं करता कास्ट क्योंकि पता है क्या है कुछ मुझे हमेशा लगता है कि फिल्म अगर पैसे से बन रही होती तो बहुत लोगों के पास पैसा है और फिल्में बन जाती सिर्फ पैसे से नहीं बन रही फिल्म मुझे कभी नहीं लगता कि बहुत सारे दिन शूट करूंगा तो ही अच्छी फिल्म बनेगी मुझे हमेशा लगता है कहानी सुनाना जरूरी होता है हावी होना जरूरी नहीं होता कहानी कहानी से बड़े आप हो नहीं सकते कहानी को जितना चाहिए उतना दे दो सो इस वजह से मेरी कास्टिंग का सही और गलत हो सकती है पर झूठी नहीं हो सकती बहुत सारी बातें करें लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो भी काम बाकी है वो है यादों का पिटारा हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर ना ये सैमसंग गलेक्सी बुक फोर एक कमाल का फीचर दिया है जिसके अंदर हम पिक्चर को पूरी रिमास्टर कर सकते हैं उनका ए फोटो रिमास्टर ऑन गेलेक्सी बुक फोर प्रो के अंदर क्या बात उसके अंदर आप कमाल की चीज़ें कर सकते हो आपको बस मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा आपके साथ उस मेमोरी में, में लेके जाऊंगा आप मुझे बताना है कि पिक्चर क्या थी क्या हो रहा था आपको मुझे बताना है और कुछ पिक्चर दिखाऊंगा हमने पूरा रिमास्टर्ड किया है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो पहले थोड़ा सा धुंधला था उसको और क्लीन कर दिया है इस सॉफ्टवेयर ने ठीक है तो आप सबसे पहले आपके सामने पिक्चर दिखाऊँगा वही देखूँगा बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा मज़े की बात है ये फिल्म की शूटिंग नहीं है क्या बात कर रहे हो हाँ कंगना का लुक टेस्ट था और आ, मैं इस दिन आ, मोशन कंट्रोल जो था वो जो इक्विपमेंट था वो टेस्ट कर रहा था तो कंगना का ये वाला लुक दत्तो वाला लुक और मोशन कंट्रोल जहाँ मैं तनु और दत्तो को एक साथ वॉक करता हुआ देखूँगा और वो वो वाली शूटिंग चल रही थी मैं खुद बहुत एक्साइटेड था तो इस वक्त दत्तो तो मैं उन्हें ये दिखा रहा था कि देखो तुम्हें वहाँ जाके बैठना है और साथ में जो नहीं दिख रही है वो भी तुम हो वो तनु है तो आ, हाँ। ये उस दिन हमारे लिए क्योंकि टेस्ट था तो एक अजीब सी पर हमारी शूट भी ऐसे ही होती है हमारे चेहरे ऐसे ही दिखेंगे शूट के भी और टेस्ट शूट के भी अगर मेरी किसी टीम से पूछोगे ना तो वो ये बताएंगे कि ये आनंद बता रहा है कि वहाँ पे जो कचौड़ी वाला है ना

पर आपको याद है क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल मेरे को ये गली याद है मुझे बा... मुझे ये मोमेंट याद है इस वक्त मैं बऊआ के साथ उस गली में शूट कर रहा था बट हाँ ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे चेहरों पे काम दिख रहा है पर हमारी जो हमारी बातचीत है ना उसमें हम काम के बारे में बात नहीं कर रहे हम यहाँ तो अपनी शाम प्लान कर रहे हैं कि इसके बाद क्या करेंगे हाँ मतलब ये ये मैं गारंटी के साथ दे सकता मैं खान साहब को देख के बता सकता हूँ कि इस वक्त हम लोग काम की बात नहीं कर रहे और सबसे ज़्यादा मेरा चेहरा है है वो इस वक्त रात का खाना सोच रहा है, कोई सीन नहीं सोच रहा कोई नहीं बोलने वाला था, था खाने के पे क्योंकि हैं इतन... इतनी सीरियस डिस्कशन सीन की नहीं हो सकती हमारी आपको शाहू सर का फेवरेट है। तीन रहे है। उनको क्या पसंद है मुझे मुझे क्यों नहीं मालूम होगा बताओ उनकी लाइफ में तीन चीज़ें मैं बता उनके जितने फैन है ना वो सब खाना शुरू कर देंगे मैं आपको बता रहा हूँ आपको जोर जोर जो से बताओ नहीं वो वो त, उनको अगर पूरी लाइफ आप तंदूरी चिकन खिला दीजिए एक कॉफ़ी दे दीजिए और एक कोई बेवरेज वोक वगैरह दे दीजिए ये अपनी पूरी लाइफ तीन मील वो ये खा सकते हैं उनको और कुछ नहीं लगता बट हाँ अगेन प्यार से आप उन्हें कुछ भी खिलाओ मना नहीं करते मना नहीं करते ये पिक्चर बताओ हम सबके प्यारे खिलाड़ी भाई एंड भूमि एंड आप अच्छा इसमें इनको पता है सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा है किन को तीनों कुछ को नहीं है मैंने हमें अक्षय सर को किस चीज में मैंने इनको बोला था एक पिक्चर इनकी और भूमि की ऐसे तो मैं स्टिल करवा रहा था ये इसी बात पे खुश हैं कि इन्होंने मुझे पीछे बिठा लिया अच्छा भी हां और बिठा के चला दिया ये सोचो ना कि ये जो हैवी वेट डायरेक्टर पीछे बैठा हुआ है वजन के साथ वो गिर भी सकता है वो उन्होंने नहीं सोचा पर हाँ ये अक्षय कुमार हैं आपके लिए उनको ये सारी हरकत उनको कोई भी चीज सिंपल स्ट्रेट नहीं समझ आती जब तक उसके अंदर कोई मसाला ना हो ना हो तो ये ये उन्होंने जबरदस्ती मुझे पीछे बिठाया वो मौका भी नहीं दिया कि मैं उतर जाऊँ इनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस रक्षाबंधन अरे यार अतरंगी रे रक्षाबंधन दोनों दोनों बहुत कमाल एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है इनकी यार Uh, बहुत ही सेंसिटिव इंसान है पर दिखाते नहीं है इन लोग ये भी प्रोसेस इंजॉय करना चाहते हैं हर हर एक मोमेंट ही वांट्स टू इन्जॉय जैसे मैंने बोला कि मैंने एज अ एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता बट मैं अपनी कहानियों को लेता हूँ सेम इनके साथ है सो आई थिंक लाइफ में इनको जो भी मिला है वो इसलिए मिला है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत फोकस इंसान है हाँ गलत फहमी के शिकार नहीं है ये किसी ने ये ये जितने बड़े भी स्टार बन जाएं ये अपनी एक बेसिक वैल्यूज नहीं भूलते आजा बैठते हैं हाँ आजा बैठ <laughs> राजू राजू ये ये तो आपको मैंने बताया जैसे हमने रिमास्टर के पीछे पहले ये पिक्चर था अभी ये ऐसा क्लीन हो गया अरे वाह इस पिक्चर के बारे में आपको क्या पता है क्या याद है देखो कैसे देख रहे हैं आप प्यार में ऐसा लग रहा है आप धनुष के प्यार में हो <laughs> नहीं, नहीं, आशिक लग रहे हैं आप धनुष के हाँ ये क्लिक वैसा वाला है पर मैं उतना ही प्यार सोनम से भी करता हूँ so, मतलब इस पिक्चर हाँ, की बात कर रहा हूँ हाँ मतलब वो नहीं, सोनम भी उतने नहीं होगा, बट मैं सच बता रहा हूँ उस वजह से बट हाँ अगेन ये ये जो मोमेंट था ये बहुत ही एक सीरियस मोमेंट प्री क्लाइमेक्स के टाइम का हम लोग शूट कर रहे थे बट मेरी मेरी हमेशा से दिक्कत रही है कि जितना मुश्किल सीन होता है उतना ही हल्का मैं उस दिन होता हूँ और उतना ही हल्का मैं अपने एक्टर्स को भी रखता हूं। मैं कभी अपने सीन का हवा नहीं बनाता सबसे इम्पोर्टेंट सीन से पहले भी मैं दही वड़ा खा सकता खा बहुत अच्छा है मजा आएगा ये कि हो सकता है किसी मूड में हो आपकी टेक्निक मुझे करते करते टेक्निक बन गई हाँ जी ये बताओ अच्छा ए, कितनी अच्छी फोटो है यार ये किसी को नहीं पता चल रहा मैं कैच हुआ हूँ <laughs> चेहरा देख के लग रहा है ये बॉल सिक्स पे गई है।, है।, भी भी है।, है।, <laughs> है तो नहीं आर ऑल्सो यंग यू कैन एज से उसका कोई मतलब ही नहीं है यार पैंसठ साल का आदमी भी खेल सकता है कोई इशू नहीं है करेक्ट तो ये ये कहाँ के फोटो है कुछ फोन ये गोयर हॉल हॉस्टल है ये, ये दिल्ली में और आ, ये अतरंगी रे के टाइम पे हम लोग खेल रहे थे और अक्षय सर भी हैं उधर कैच उन्होंने पकड़ा होगा नहीं कैच उन्होंने नहीं पकड़ा पर हाँ पर, पर मैं मैं बड़ा खुश हूँ कि ये इतना ही ब्लॉक है अब ये पिक्चर देखो हमने जो जो AI के थ्रू जो हमने फोटो को रिमास्टर किया है ना बुक में ये देखो कैन यू सी द डिफरेंस इस साथ में हिमांशु बैठे और ये फिर है अब देखो हाँ। आप बताइए कौन कौन है ये हिमांशु है जो बहुत कम लोग जानते हैं करेक्ट हाँ ये हम लोग जिस दिन यूएस पहुंचे हैं और एक लोकेशन जो पहली लोकेशन पे हम लोग मतलब शूट भी नहीं था हम सिर्फ लोकेशन देखने गए थे क्योंकि हमारा वीएफएक्स का बहुत सारा काम होता है तो रेड चिलीज़ की जो टीम थी हैरी और केतन इनके साथ हम लोग गए थे बस अब बाहर बैठे बड़ा अजीब लग रहा है अभी भी हम खाने की सर... बात कर हाँ। <laughs> तो रहे खाने... तो कि कि खाने की बात में कितना सीरियस हो जाता हूँ हाँ खाने में सीरियस हो जाता हूँ क्या ये एक और पिक्चर है ये देखो पिक्चर अभी हमने इसको भी रिमास्टर किया है गैलेक्सी 4 प्रो 360 के अंदर आप देखो मैजिक हाँ, और गुड लुकिंग लग रहे हैं दोनों वैसे भी बहुत गुड लुकिंग बच्चे हैं बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं हाँ। ये बहुत जल्दी स्टार बनने वाले हैं बहुत जल्दी आने वाले ये भी आपने जो मैं हमेशा आपको बोल रहा था बाहर भी जी कि बहुत बहुत कम फिल्में नए लोगों को लेके लॉन्च हो रही है नए लोग लेके बना रहे हैं आपने ये एक और जो नया इनिशियटिव लिया है कि आपने बहुत सारी फिल्म है जो न्यू कमर के साथ बनाई ये पिक्चर आपको याद है मेरे को बिल्कुल याद है ये ये उस दिन की पिक्चर है जिस दिन हम लोगों ने मूवी रैप की थी ये मूवी रैप वाले दिन है और इन दोनों बच्चों ने बेहतरीन काम किया है जेनवनली और मुझे 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 पिक्चर देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मैं खुद बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मेरे को आ, अच्छा यार अच्छी एज पकड़ी है मैंने नए बच्चों के साथ एकदम फादरली फील आ रही है मुझे देख इट <laughs> तो इज़ वेरी गुड बट दीज टू किड्स आर ब्रिलियंट ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और uh, मेरा बस चलता तो इनके साथ बहुत बड़ी फिल्म बनाता मैं बड़ी नहीं बना पाया जिस साइज की भी फिल्म बनाई पर इन दोनों का काम देखने वाले चलो अब लास्ट के बहुत छोटी से छोटी जो चीज़ें हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट होता है हम बहुत से लोगों के बारे में आपको बताते हैं मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ अगर मैं आपको इंडस्ट्री में दो तीन लोगों के बारे में बोलता हूँ कि माधवन क्या दिमाग में आता है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर जिसको ये पता है कि आ, कितना और कितना नहीं खुद के साथ करना सो एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं उसके साथ अपनी कहानी डिस्कस कर सकता हूँ और मैं ये और वो एक मोमेंट तक एक्टर हैं एक्टर उस लेवल पे सेल्फिश होते हैं अपने कैरेक्टर को लेके बट एक पॉइंट के बाद मैडी जैसा एक्टर वो वाला अपना काम करके एक्टर वाला आपके साथ एक पूरी कहानी और आप क्यों सुनाना चाह रहे हैं वो समझ सकता है तो वो एक क्वालिटी इस एक्टर में है जो कि सब फैंटास्टिक आपकी अतरंगी यारी उन लोगों के साथ है है ऐसा लगता मुझे पाजी अरे पाजी के लिए क्या बोलूंगा जिमी पाजी मेरे वो वाले दोस्त हैं जिनको मैं मतलब वो एक वैसे वाले एक्टर हैं जिनसे मैं वो वाला रिश्ता कभी वो ही नहीं कर पाया मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ बेहद मतलब बेहद प्यार करता हूँ सो so, वो वो बॉन्डिंग अलग बॉन्डिंग है उसमें हम अच्छा काम करके जा रहे हैं वो अलग चीज है बट इट इज प्योरली प्योरली मतलब द बेस्ट ह्यूमन जिमी शेर अगर आप जो भी नए एक्टर देख रहे हैं शो को उनको क्या बोलोगे कि इन चीज़ों पर ध्यान दें तो क्या उनके लिए क्या एडवाइस होगा जो नए न्यू बहुत सारे एक्टर्स कंट्री में आ रहे हैं शहर में आ रहे हैं आपको क्या उनको एडवाइस क्या दोगे क्या आनंद आया कि मुझे ऐसा लगता है ये प्रोसेस होना चाहिए एक तो स्ट्रगल से मत डरू अपनाओ उस स्ट्रगल को रिजेक्शन से मत डरो जब जब तनो एड्स वनु हम लोग सुना रहे थे हिमांशु और मैं बाहर और रिजेक्ट हो रही थी और हर रिजेक्शन के बाद हम अच्छा खाना खाते थे ये प्रोसेस था हमारा और एक दिन खाना खाते खाते हिमांशु ने बोलो बोला सर अगर पर नरेशन जो रिजेक्ट हुई है अगर मैं पाँच सौ रुपये भी लूँ नरेशन का जिनको कर रहे हैं तो एक नैनो खरीद लेते हैं अभी तक हम <laughs> तो मेरा पॉइंट ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि यार इन्जॉय कर लो वो उसको भी प्रोसेस मान लो अब मैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ हो सकता है मैं बहुत लकी हूँ कि उन रिजेक्शन के बाद भी जब मैं घर गया हूँ तो मुझे नींद बहुत अच्छी आई है ये। कैसे क्या बोलते हो मुझे आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोगों के मेंटल हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिजेक्शन के बाद भी बहुत सारे एक्टर जो है उदास हो जाते हैं शहर छोड़ के चले जाते हैं मैंने कई रेटों को देखा है राइटों को देखा मैंने देखा वो शिफ्ट हो गए है जब वो लोग रिजेक्ट भी कर रहे होते थे ना तब भी मुझे पता होता था उन्हें अच्छी लगी है फिल्म अब किस वजह से नहीं बना रहे हैं? वो उनकी अपनी लुकआउट है मुझे मेरे को नींद पता है क्यों आ रही थी कि यार इम्पैक्ट तो मैंने देख लिया उस कहानी का मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ बहुत अजीज़ है मेरे को उन्होंने मेरे को बहुत सच बोला था बिल्कुल को एक कोरा सच मेरे चेहरे पे बोला जब मैंने ये कहानी सुनाई थी तो उन्होंने बोला यार तेरी कहानी बहुत अच्छी है पहले कुछ और बना लेना तो मैंने कहा कि पहले और क्यों बनाओ बोला यार लव स्टोरी रोमांस और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि देख अगर कहानी इम्तियाज लाया होता ना तो मैं कर लेता तू एक कुछ और कर ले फिर यह कर ले तो मैंने उनको बोला था कि एक काम करता हूं एक ये बना के ना फिर दूसरी के लिए आपके पास आता हूं सो so पॉइंट जिस बात पर मैंने बोला कि यार मुझे यह समझ में आ रहा था कि मेरी कहानी ठीक है मैंने जो काम किया हुआ है ना जिस कहा काम को लेके मैं मार्केट में घूम रहा हूँ वो पसंद है इनको वो वो रिजेक्ट नहीं हो रही मैं रिजेक्ट हो रहा हूं उन दोनों चीजों में अंतर है मुकेश हाँ, वो मेरी कहानी नहीं रिजेक्ट हो रही थी कभी आपने कुछ नहीं किया इसलिए आप इसीलिए वो तो मैं मैंने मे, मे, पहले ही बोला मेरे को अपने फेलियर से डर ही नहीं लगता मेरे को नींद आ जाती है मेरी कहानी रिजेक्ट होती ना तो मुझे शायद नींद ना आती

चार लोगों तक पहुँचे उन एक्टर्स तक पहुँचे उन लोगों तक पहुँचे जो हमारी इंडस्ट्री को एक तरीके से देखते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टेल दैम दैट इट दिस इज़ अ बिग फैमिली एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ इट थैंक यू वेरी मच थैंक यू जाने से पहले आपके साथ एक सेल्फी लेनी है लाओ भैया अभी पिक्चर यहाँ पे डाल देते हैं हम